हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेकिंग कॉमर्स। मैं हूं शिवम सानी एंड आज मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जो कि रिलेटेड टू द प्रीवियस वन है, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स या टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं शिवम सानी ऑफिशियल साइट पे एंड ब्रेकिंग कॉमर्स भी दो पेजेस हैं इंस्टाग्राम एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर विद द नेम गाइडिंग नेट क्लासेस। कॉमर्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। आप लोग का एक लाइक एक सब्सक्राइब में मोटिवेशन बहुत मिलता है। मैं हूं शिवम सानी एंड आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करिएगा एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, चेक कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोज अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से बनी हुई हैं एंड रिसेंटली मैंने बिजनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज बनाई हैं जो आप चेक कर सकते हो फॉर सीबीएसई बोर्ड्स। अगर आपको कोई भी वीडियोस में डाउट्स रखते हैं कमेंट कर सकते हो वीडियोस पे या फिर आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे शिवम साहनी ऑफिशियल या फ्रीकिंग कॉमर्स के पेज पे। सो आप डीएम करके जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो, टैग ना डीएम करो। थॉट्स का क्वेश्चन है एंड थॉट्स के सारे गर्मा गर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही पेपर में आग लगा के लिए जितनी जल्दी कर सकते हो हॉट्स के क्वेश्चंस तो हर चैप्टर के इलस्ट्रेशन समेत करने ही करने हैं, ठीक है, वरना पेपर में आग लगेगी तो मैं भी आग लगेगी अगर। सो चलिए 77 वाला करते हैं। आजू एंड बाजू का क्वेश्चन है ये। आजू एंड बाजू पार्टनर्स है फॉर 4:1। आजू एंड बाजू सो ए एंड बी 4:1 के लिए पार्टनर्स हैं। इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ देयर एम्प्लॉई साजू, सो देयर इज वन एम्प्लॉई साजू जो एम्प्लॉई था बट उसको ये लोग क्या कर लेंगे, पार्टनर में बना लेंगे, पार्टनरशिप दे देंगे उसे। साजू हु वाज रिसिप्ट ऑफ सैलरी 2400 पर एनम कमीशन ऑफ 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, दे टुक हिम इनटू अ पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 गिविंग हिम 1/8 शेयर। सो साजू को अभी तक क्या क्या मिलता था? देखो साजू को मिलता था 2400 की सैलरी और ये पर एनम की है, कमीशन मिलता था 5% का आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। सो ये 5/105 हो गया, नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस हो जाएगी। जब उसको पार्टनरशिप में ले लिया तो उसको उन्होंने 1/8 शेयर देना स्टार्ट कर दिया। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर टू विच साजू बिकम एंटायरली पेड आउट ऑफ आजूस प्रॉफिट ऑफ शेयर। सो इस लाइन का मतलब क्या है? एनीथिंग जो मतलब जो पहले मिलता था और जो अब देना है, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो आजू देगा। हम पहले उसे सैलरी देते थे, कमीशन देते थे, अब उसे 1/8 शेयर का प्रॉफिट देंगे। तो पुरानी वाली अमाउंट ये थी, नई वाली अमाउंट ये, तो इन दो का जो डिफरेंस है डैट इज द एक्सेस ऑफ फ्रॉम द फॉर्मर, ये फॉर्मर वाला ये है और ये अभी वाला है करेंट का। सो जो भी डिफरेंस होगा दैट अमाउंट इज टू बी पेड बाय साजू ओनली। सो ये साजू पे करेगा, सॉरी आजू पे करेगा साजू को। प्रॉफिट दे रखा है 57,000 पीस का। तो सबसे पहले पेड अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, जहाँ पे भी अप्रोप्रिएशन आते हैं वहाँ पे हमारा पेड अप्रोप्रिएशन बन जाता है, पेड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट एंड दिस नेट प्रॉफिट स्टैंड्स फॉर 57,000। देन इट इज सेड दैट How much amount we need to provide to Saju? So what we are going to do? First of all, we are going to calculate the amounts of Saju. So profit is of 57,000. Then we are going to subtract salary of Saju. It was 2400. Yes, 2400. Remaining amount is 55,600. Now what we have to provide? We have to provide commission. And commission, I told you how you have to calculate. That is 1/105 because it's after charging commission. So we are going to calculate on this amount. 5/105 multiplied with 54,600. That is 2,600. So again it will be remaining balance will be 52,000. So this is 52,000
or we can say the amount which we are going to provide to Saju was, which we were providing were 2 and 2, that is 4 and 5,000. So 5,000 were provided to Saju as an employee. But if we are going to provide as a partner, Saju as a partner, that will be 1 by 8th of 57,000. It will be 7125. So with these two amount we can see it will be 5,000, and with Saju as a partner from 1 by 8 share, he has to get 7125. So excess will be 2125, that is 7125 as a partner minus 5,000 as an employee. So this is your excess over former, and this is to be provided by Aju. So now we can solve, that is we can distribute the profit. To profit transfer to capital accounts, Aju, Baju, Saju. So Aju's profit will be, they have a share of 4:1. ठीक है, old ratio is 4:1. So his share will be 41,600. And Baju's capital, or Baju's share will be 10,400. Simply I have divided the amount of profit in a ratio of 4:1. Then you can see the capital of Saju. Saju's capital will be 7125. Just now we have calculated 7125, and the excess amount was 2125, which is to be given by Aju. So this is amount for Aju, this is amount for Baju, and this is amount for Saju. Clear? So एक बार दोबारा से समझ लीजिए, we have a profit of 57,000. Salary we have provided to Saju 2400 per annum, then commission we have charged, it's after charging, that is why we have used net profit upon, that is rate upon 100 plus rate. And this is to be calculated after charging salary, it's already mentioned. वहाँ पे मैंने already लिख रखा है. So this is the amount for 52,000. So 2400, 2600, these are the two amounts which we were providing to Saju already as an employee. That is total of 5,000 we were already providing him. But when he added as a partner, he has to get 1 by 8th of profits, which is 7125, which means how much excess now we have to pay, that is 2125. 7125 is the amount as a partner, 5,000 amount as a employee. So excess amount which we have to pay is 2125, and this amount is to be paid by Aju. So simple, while distributing the profits we have 57,000, this profit is distributed in an old ratio, that is 4:1, among these two partners A and B, because he was already getting a salary and a commission, and excess amount we have already paid. Who paid? Aju paid. So simply what we have done, 57,000 was distributed among A and B. Among A and B. In what ratio? Old ratio. New capitals will be, new profit ratio will be like 39,475 for Aju, 10,400 for Baju, and 7125 is for Saju. I hope this is clear. Thank you for watching Freaking Commerce. Please like, subscribe and share. Karte rahiyega. Thank you.